अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शी गुप्ता और आज मैं बनाने लगी हूं ज़बरदस्त सा कलरफुल ज़रदा जो कि बड़ा मज़े का बनता है। अच्छा, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के, और साथ में मैंने चावल ऑलरेडी बॉईल करके रख लिए थे पानी डाल के, तो बीच में चावल तकरीबन 2 कप थे, तो वो पानी में डाल के अच्छी खासी कढ़ाई भर के, तो जब पानी में बॉईल आया तो वॉश करके चावल डाल दिए थे, और चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है तकरीबन 90%। और यहाँ पे अब मैंने इलायची के दाने निकाल के डाले हैं, तकरीबन 2 से 3 इलायचियाँ लेके, तो दाने निकाल के डाल दें जो कि किसी भी मीठे के लिए ज़रूरी हैं। इलायचियाँ अच्छी लगती हैं, स्पेशली जो मीठे चूल्हे पे बनते हैं, तो इलायची डाली जाती है हर एक मीठे में जो कि बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने चैनल पे आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा, मैंने ना ये बनाने से पहले ही कलर वग़ैरह भी पानी में मिक्स करके रख दिए हैं, पानी में मिक्स करके ग्रीन कलर लिया है 1/4 टीस्पून, और बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। इसी तरह मैंने रेड कलर लिया है 1/4 टीस्पून दूसरे बाउल में, वो डाल के तो मिक्स कर दिया था थोड़ा सा पानी ऐड करके, और ये है ये ऑरेंज कलर था मेरे पास, वो मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स करके रखा है। और जैसे ये ऑयल गर्म हुआ है यहाँ पे, तो मैंने बीच में पानी तकरीबन 1 कप ऐड कर दिया है, और चीनी ऐड करनी है 1 कप, और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, शीरा सा बना लेना है। जब चीनी कैसे जाग सी बनने लगेगी तो फिर बीच में चावल ऐड कर देने हैं, और चावलों में जो पानी होगा उसे ड्राई कर लेना है, और फिर मैं इसे दम पे रखूँगी। कलरफुल ज़रदा बनाना कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा बन जाता है, टेस्टी तो ऑब्वियसली होता ही है। देखिए पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है, और अब मैं दम लगाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा, ये कुछ ड्राई फ्रूट थे जिसमें किशमिश थी और पिस्ता था, बारीक बारीक काट के डाल दिया है, और ये मैंने मुरब्बे बीच में ऐड किए हैं, और साथ में ये फूड कलर भी ऐड कर लिए हैं, 3 जगह पे अलग अलग ऐड कर दिए हैं। अब ढक के रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, और ज़बरदस्त सा ज़रदा हमारा रेडी हो गया था आफ्टर 20 मिनट, और अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी ये कलरफुल सा ज़रदा जो कि माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का बना था। अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, काइंडली अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। मैं डिश आउट कर लूँगी, ज़बरदस्त सा ज़रदा रेडी है जो कि माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का बना था।
डिश में अब सर्व करूंगी मैं। अच्छा कलरफुल सब ये अच्छा लगता है, लेकिन जो वाइट वाइट बीच में चावल के दाने होते हैं ना, वो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। देखने में जितना अच्छा लगा ओबियसली खाने में इतना ही ज़बरदस्त और मज़े का था। थोड़े से ड्राई फ्रूट और वो मुरब्बे ऊपर से डाल दूंगी। ज़बरदस्त सा ज़रदार रेडी है, कलरफुल सा और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़।